वर्ल्ड ग्लोबल और एक बहुत ही मतलब कम डिस्कस्ड होने वाला ये स्टॉक है, और मैंने भी इनफैक्ट इस स्टॉक को अभी रिसेंटली एनालाइज करके निकाला, और इनकी एक ग्रुप कंपनी है पीडीएस लिमिटेड, और ये तो 5,000-6,000 करोड़ की दोनों कंपनियों की मिला के मार्केट कैप है। तो मुझे तो लग रहा था कि पहले वर्ल्ड ग्लोबल इनफैक्ट मुझे इसलिए याद है, मैं इसके आईपीओ डेज में कभी जब ये 94-95 जब आप मुझे पूछ रहे थे तब इसका आईपीओ आया था, और तब मैंने देखा हुआ स्टॉक को, और उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। और एक्सपोर्टर है और प्रमोटर्स का बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस आया, और कुछ नए बड़े इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है। तो बेसिकली रेडीमेड गारमेंट्स, वुमेन्स नॉन डेनिम्स आउटवेयर, ये सेगमेंट मेंस वेयर वुमेन्स वेयर सब में है, और ये लोग बेसिकली गैप, बनाना रिपब्लिक, रैल्फ लॉरेन, कॉज, मेजीज और इन सब के लिए ये लोग वेंडर है, अप्रूव वेंडर, तो उससे भी और कॉन्फिडेंस आता है। प्रमोटर बैकग्राउंड और गजब का, इन्होंने बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, और जो मैंने बायर्स के बारे में बताया, इनके मार्केटिंग ऑफिसर्स और सोर्सिंग ऑफिसर्स के बारे में बताया। अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूँ, तो 14 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है। 900 करोड़ की मार्केट कंपनी है, पिछले 3 साल में सेल्स बढ़िया बढ़ाई है इन्होंने, 15.5% की कैगर है पिछले 3 साल की सेल्स की, और पिछले 5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर 10% के लगभग है, और ओवरऑल 1.5% डिविडेंड यील्ड है, और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे भी 1.5 टाइम्स पे ये कंपनी काम कर रही है। जून के रिजल्ट्स आना बाकी है अभी, मार्च 2021 में 15 करोड़ का पैट था उसके सामने, मार्च 2022 में 27 करोड़ का पैट, और कंपनी पिछले 4-5 क्वार्टर से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है इनफैक्ट, और लास्ट 3 क्वार्टर तो बहुत बढ़िया गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर भी और अच्छे जाएंगे। तो हाईएस्ट एवर TTM बेसिस पे प्रॉफिट्स पे बैठी हुई है कंपनी, 70 करोड़ के लगभग की कमाई की है, और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो और मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि प्रोमोटर्स का तो स्ट्रॉन्ग करीब 66-66.5% नहीं है, उसके अलावा FIIs का 5.5% के लगभग है, और DIIs का 1.5% के लगभग है, तो इससे करीब 7% मान लीजिए FII DIIs, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी 2-3 नाम बहुत रिनाउंड इन्वेस्टर्स के हैं, तो उससे भी और कॉन्फिडेंस आता है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले, और ऊपर के लेवल्स इस स्टॉक ने पहले भी अच्छे खासे, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को लेवल्स पे 470 और 490 की टारगेट की।